गुरु नानक देव का विचित्र आशीर्वाद। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव पहुंचे। वहां बसे लोगों ने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार नहीं किया, उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव से आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक और उनके शिष्य एक दूसरे गांव समीपस्थ ग्राम जा पहुंचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड्ढे भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय गुरु नानक देव से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव ने कहा, उजद जाओ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले उद्दंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी शालीन लोगों को उजड़ा जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तब गुरु नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहां भी जाएंगे वहां अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहां विचरण करेगा वहां अपने आचार विचार से वातावरण दूषित करेगा। इस प्रयोजन से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह शिष्य संतुष्ट हुआ और वह सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए।